देखो भाई शुरू करते हैं भाई, ठीक है। लास्ट टाइम पे एक सवाल बताया था मैंने, याद है तुम्हारे? जो हुआ नहीं था या हो गया, ये भी कहा था बहुत अच्छा सवाल है, उसी करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सा, बहुत अच्छा लगता है मुझे सवाल। देखो क्या है सवाल, वो बोलो, याद है कुछ? हाँ साइन इनवर्स, चलो आप बोलो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। फिर आगे देखो ये सवाल है जो कि मैं सोल्व करना चाहूँगा तुमको। ये हाँ ये माइनस ही तो लिखा था मैंने, ये इसमें मिल गया, ये जेड में मिल गया हुआ, ठीक है। वन माइनस जेड क्या है? देखो क्या है इसका सीधा रिजल्ट याद कर लेना, क्या रिजल्ट आएगा इसका? टू एक्स वाई जेड आएगा। क्या आएगा? शायद यही जानते मेरे ख्याल है, यही होना चाहिए, ठीक है, यही आएगा। पक्का बता, कर भी ज्यादा चलो कोई बात नहीं। देखो अब, देखो अब समझ में आने की कोशिश करते हैं, शायद आ जाएगा कुछ साइन। देखो इसका रिजल्ट याद कर लेना, टू एक्स वाई जेड। अभी तो इस मुख्य सवाल तो हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो याद ही रहेगा। देख एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई टू की मल्टीप्लाई तो आंसर से तो इम्तहान तो होना ही है, लेकिन होगा भाई किस तरह दिक्कत थोड़ी सी आ रही है। देखो मान लिया साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, दिक्कत नहीं भाई। एक्स इज इक्वल टू साइन ए बताया था मैंने इनवर्स कल भी, जाते बताया था, दिक्कत नहीं भाई। बोलो आप जिसने बोल करा करो भाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू, ठीक है भाई। इस सिमिलरली क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी, जेड इज इक्वल टू, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन बी वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, बोलो साइन सी वन माइनस, यहाँ तक दिक्कत आएगी किसी समझ में आई है भाई बात? बोलो आई कुछ नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, जब रूट हटूंगा तो कोस ए आएगा। फिर क्या आ जाएगा, क्या बोलते रहो, साइन बी जब ए है तो कैसा ए मानना, छोटा ही मानना, तो ए मानने में साइन बी कॉस बी साइन सी, ठीक। अब क्या करता हूँ इसमें, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर लूँ, साइन ए टू ए कॉस ए फॉर्मूला बनाने के लिए कल ये मेरे से पहले दिए थे, ए बी कर दिया था मैंने, तो क्या करूँ, दो से मल्टीप्लाई, दो से दो से तो बाहर एक कॉमन ले रहे दो, या सबकी अलग अलग करूँ, आगे से वन बाई टू तीन नंबर से कॉमन ले लूँगा, और दो से अंदर मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई के दो बाहर आ गए वन बाई टू, दिक्कत तो नहीं आनी आई नहीं भैया, हट को हट को अलग अलग करूँ। हाँ नहीं इतना तो सुनी हुई उम्मीद है, इतना तो सुनी आई गया हुआ है, साइन ए कॉस ए टू साइन बी कॉस बी टू साइन सी, ये क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए, एक एंगल एक ही लिखना है क्योंकि एक बड़ा एक छोटा, ये गलती हो रही है, गड़बड़ है। साइन टू ए क्या आ जाएगा, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू वन बाई टू, ये तो आ गया। ये मैंने डायरेक्ट थ्योरम बताई थी एक बार, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दी कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी क्या करो, बोलो लिखवाया था क्या हो, देखिए इतना देखना ही पड़ेगा कॉपी में, आप नहीं लिखा था, देख लिया ले लेते हैं, देख लेते हैं उसको आते देख रहे हैं। हाँ क्या आ गया, फोर साइन ए
साइन बी साइन सी और 1/2 बाहर आई, ठीक है, रटने वाली बात तो नहीं, अब तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो है, अब तो बच्चे नहीं रहे, क्योंकि 9th 10th में करके दिखाना किस तरह होगा, तो डायरेक्ट रटने से काम चल जाएगा। 2 से 4 जाके क्या आ जाएगा, 2 तो क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। जी सी नहीं लिखा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, साइन बी की वैल्यू, अरे साइन सी की वैल्यू, तो क्या कर 2xy, तो रटने वाली बात तो नहीं, आसान था बिल्कुल, मक्खन जाता वाला आसान नहीं है, तो बस रटना क्या है मुझे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2b ने ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, 4 sin a साइन बी साइन सी, पहले बता दीजिए, नींद आ रही है, आसान था सवाल है जी, इसका रिजल्ट याद भी नहीं है डायरेक्ट। ये क्या हाँ रखा क्यों नहीं है, ये तीनों ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल का सब 180 होता नहीं, ये सी सी नहीं हुआ, जो ये यूनिक कंडीशन हुई, जब फिर ये तीनों मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिखवाया था मैंने, एक्स इक्वल टू एंगल नहीं हो गया क्यों भाई, ये फिट हो गए हो गया क्या, भी नहीं हुआ भाई, 80 तो होती है ट्रायंगल का सम, ये आई नहीं, एक साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये जब ही तो थ्योरम प्रूव होगी, ए बी लिखा होगा मैंने, देखो जब लिखा था इन ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी में जब होगा वो साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, और अच्छा सवाल पूछा हुआ ये बढ़िया बात है, और तो हो गया इस्तेमाल, हाँ यार ये सवाल ये फेत वैसे भी रहता है जिसकी जरूरत क्या आती है, देखो देखो हाँ देखो देखो क्या है, तो क्या एग्जाम्पल एक डर एग्जाम्पल, ये जिसे ये इनके घर में है शायद, या वो बताती थी मुझे दूसरे वाली क्या नाम है उनका, कि एक एक ताऊ जी हूँ ये चाचा जी हूँ, बात नहीं आ गई, ये पापा हैं ये मम्मी है, ये तो है ना, ठीक जो इनके घर में क्या हुआ डिस्मिशन हो गया, ताया चाची हो गया, क्या होगा इनका एकदम क्या फिर जगह बीच में बागवान देखी मूवी, अमिताभ बच्चन क्या आ गया, मेरे बेटे सलाह कर रहे होंगे मम्मी पापा को मैं ले जाऊँ मैं ले जाऊँ, अरे क्या कर रहे हैं अंदर, अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है मैं लेके जाता, मैं सलाह क्या बना मैं तीन दिन अपने अपने एक्सक्यूज फिट करते हूँ, और ये क्या सोचे हैं है? हाँ ये तो ये सोचे हैं, ठीक नहीं है, तो मैं ना तो यहाँ जाएँ ना तय के पास जाएँ माँ बाप ना चाची के पास जाए, दोनों दिन रखते थे तो ये अलग ही रहे ये, और घर किसका है, ये मतलब पीएम कोई पीएम श्री है, मतलब पापा मम्मी घर किसका मानना जा रहा सारा, ये पापा का मानना जा रहा, पापा मम्मी के लिए अगर खत भी आएगा भाई वो राम कुमार का घर कौन सा, अरे प्रेमचंद पीएम को ना प्रेमचंद जी का घर कौन सा, नाम तो प्रेमचंद जी का ही है वो, लेकिन ना तो जो है ताए के साथ है ना चाचा के साथ है, इसी तरह जीरो है तो इंटीजर, जब लेकिन जब इंटीजर के हिस्से करेंगे, इंटीजर कितने हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से, एक तो पॉजिटिव और एक ना, तो पॉजिटिव होगा भाई साहब ना, लेकिन इंटीजर है
ऐसा जीरो पापा को तो ना तो उसकी साथ है ना सुधारी नहीं जीरो घर ही निकल रहेगा वो घर से निकल नहीं बोलना नहीं भाई साहब ना तो इसके जा सके हैं नहीं क्योंकि अमिताभ बच्चे हैं सोच रहे होंगे भाई हैं लेके जाएगा मैंने कोई गाँव वाले कह दिया मोल भाई उन्हें तो पूछ लेते आगे रोटी अट्टी भी खाते तेरे बड़े हैं फिर मोहल्ले वाले करेंगे तो जी मैं ला दूँ चाचे जी मैं ला दूँ इन्हें इनकी सेवा पानी नहीं करते मोहल्ले वाले देखा वो बहुत से घर होंगे ऐसे मोहल्ले में होती नहीं गाँव में बहुत जब तो बहुत ज़्यादा हैं हैं बहुत ज़्यादा है कोई नहीं तुम्हें अकेले रह रही अकेले आए सुनिए बैठे यानी देखो यानी जीरो इंटीजर तो है ना तो पॉजिटिव है ना जब जमीन पटेगी नहीं फेरने का कोई हिस्सा नहीं है फिर दोनों भाई होगा हैं ये तो बेचारे घेर वेर में कहीं कच्चा पक्का हूँ ये दाल छोड़ गया है ऐसा नहीं होता जैसे बागबान में ही नहीं था अमिताभ बच्चन देखी थी मूवी मजा नहीं आया देखी जब थोड़े से बड़े हो जाऊंगा ना जब अर्थपूर्ण फिल्म है जब मजा आएगा अभी नहीं मजा आता फिर मुझे देखने क्योंकि जब तक कि जो जिस पर हालात ना गुजरे हों वो मजा नहीं आता उस मान के क्योंकि पता ही नहीं तुम्हें भी उसका उस सवाल का पता नहीं दी तुम्हें कि अभी पापा मम्मी की क्या है अभी तो तुम पापा के लाड़ ले पापा तुम्हारे हैं जब योग ना करे तो यूँ बोल लो जहाँ चल हैं एक टाइम ऐसे भैया पापा मम्मी को आ गए हैं अभी तो यहीं बोल लो जहाँ चल चल हैं क्या गए सब यूँ क्या हैं कि भाई कहते नहीं अगर एक माँ बाप की जो है ना तीन चार औलाद होती हैं एक की शादी होती है वो बेकार निकल जाता है निकम क्या निकम बेकार हो गया उनका यूँ नहीं होना जिसकी शादी होती है वो लाइन से कटता रहा उनके ऐसा नहीं होता भैया हैं देखो क्या है ज़्यादा से होती है जहाँ ज़्यादा आदमी जा रहे हो वहाँ से जहाँ मेजोरिटी होती है वो बात माननी जाती है इलेक्शन में जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है प्रधान की इलेक्शन में जिसे यूनियन होगी तो वो तो हमारे गाँव में ऐसे जितने वोट मिले थे तो जो जीत गया जीत गया तो खैर छोड़ो अच्छी बात है भाई आपने उन्हें बढ़िया बात है मेरा तो मानना भी यही है कि अगर दुनिया में कहीं भगवान है कोई तो सिर्फ कौन है माँ बाप इसलिए मैं किसी बच्चे से अपने पैंट पहन देता ना खड़े कोई नहीं करता मतलब इज्जत करना है सम्मान करना है किसे करनी चाहिए अपने माँ बाप दुनिया में भगवान है ये बागवान नहीं देखी थी क्या उन्होंने चाची चाची तो नहीं बागवान नहीं देखी थी क्या है दिखा दी भाई कि भाई चलो अच्छी बात है बढ़िया बात है रहने पूरा नमाज मान पूरा ठीक है बड़ी अच्छी बात है इकट्ठी रहना चाहिए अच्छा होता है जब कोई अलग हो जाता है कहते हैं गाँव में तो होना ही था सब अलग हो कोई दिक्कत नहीं है पुराना मान सभी हों बढ़िया बात तुम भी इस तरह जाना ठीक है देखो भाई क्या है सवाल है 2 + 2 की पावर 1 + mod cos x + cot² cos³x cos⁴x ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ या सोल्यूट फाइंड द जनरल सोल्यूशन या फाइंड द जनरल सोल्यूशन फाइंड द कुछ भी करो देखो भाई ये 1 + cos है cos² ये तो स्क्वायर है तो चाहे इसकी वैल्यू रखोगी ना कोई दिक्कत ही नहीं है ये तो प्लस का ही रहेगा भाई चाहे इस तरह लिखूँ यहाँ भी ना लिखूँ और चाहे लिख भी लूँ कोई दिक्कत तो नहीं यूँ भी आ सके ये भी आ सके इसलिए मैंने क्या करा एक में लगा दो एक में लगा तुम्हें पता भी रहेगा कि यार ये मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है या तो सब में आ जा एक में आवे प्लस स्क्वायर मतलब इवन वाले में ना आवे जब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो बात नहीं आ गई देखो ये क्या है 1 + cos x + cos² cos³ कैसी कैसी सीरीज बन रही है जीपी बन रही जीपी का बताता है मल्टीपल हो जा और एएम का अर्थमेटिक में क्या होता था एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जा जीपी में क्या हो जाता है मल्टीशन और डिवाइडेशन हो जाओ किसी नंबर का यहाँ किसी नंबर का और मल्टीशन कोस एक्स का हो रहा देख इसका कोस एक्स का कोस एक्स का कोस एक्स का ठीक वहाँ तक क्या है सीरीज इन्फिनिटी तक क्या है इन्फिनिटी का सम कितना होता है जीपी का फॉर्मूला बताया था एक बार मैंने भूल गए कोई बात नहीं मैं बता रहा अगर मान ले सीरीज क्या है ये ए है ए आर है प्लस ए आर का स्क्वायर है प्लस ए आर का क्यूब है क्या है ए अपॉन 1 - r ये तो होता है ये कुछ और बताया था क्यों वाली बात है जी मेरे बच्चे तुम्हारा डर तो रहे नहीं सर
इन्हें मैं क्या डरू इनसे, मैं भी डरता है। टू की पावर कोई वन अपॉन वन माइनस कोस है। देखो इसका आर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म आर क्या थी, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या थी बताया था मैंने, कॉमन रेशियो किस तरह टी टू अपॉन टी वन मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कितनी है कोस एक्स अपॉन ये द रेशियो ऑफ टू कंजर्वेटिव टर्म्स। आर मीन्स द रेशियो ऑफ टू कंजर्वेटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स का रेशियो है। ये टी थ्री अपॉन टी टू का भी होगा भाई। ये देखो इस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स फिर कोस एक्स ही आ रहा, आई बात ना। ये अगर इसकी वैल्यू चार है मान लिया भाई, चार इसकी वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार बोलो। तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स की पावर टू की पावर टू। दिक्कत तो नहीं है कुछ, तुम्हें समझ नहीं आया नहीं बेटे, इसका सम आ गया है वो। ये चार जुगत हूँ, ये एडिटिव जुगत हूँ रखा, ये इक्वल जुगत हूँ रखा, चार को दो की पावर टू कर लिया। आपने क्वेश्चन भाई है ये, आप ना चार क्वेश्चन कर लिया, दिक्कत तो नहीं। देखो सबके सामने तो खुला खेल है, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो अब क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। कंपेयर करके वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स इक्वल टू, दोनों क्रॉस हम मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, टू माइनस कोस एक्स, टू कोस एक्स इक्वल टू वन। बोलो भाई इसके नीचे वन नहीं आएगा भाई, वन की वन आ जाएगी इस चीज में। तो क्या आ गया, टू माइनस टू कोस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू कोस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन टू। आई बात अपॉन टू भाई, जो लाइन लिखी थी हमको पूरी लाइन लिख लेंगे हम भी हैं। एक लाइन मारी थी, एक लाइन की चोरी गई थी, वही इन्होंने दी। माइनस टू कोस एक्स इक्वल टू माइनस वन, इस माइनस से माइनस जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये लाइन खाई थी फिर है चोरी इन्होंने दी है। वन बाई टू क्या का मान होता है भाई, कोस एंगल रेडियन होता है, पाई बाई पाई बाई थर्टी क्या होता है, कोस एक्स इक्वल टू है पाई बाई कितने का होता है बताओ, ये वन बाई टू मान साठ का मान कितना होता है, पाई बाई पाई बाई सिक्स थर्टी होगा, पाई बाई थ्री भाई जब तो ज़्यादा पड़ेगा। अरे मैं पाई बाई थ्री कर रहा, फिर पाई बाई सिक्स कर रहे हैं है नहीं, कल तुम बारह बारह कर रहे थे। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई थ्री। मैं कह तो रहा भाई तुम्हें बताया था पाई बाई, तुमने सुनी नहीं अपने अपने से कर रहे, एक्स इक्वल टू बताया था ना पाई बाई, अगर क्या हो सकता भाई एक और भी तो हो सके, तो जितनी वैल्यू है इसकी निकाल सकते। और इसकी जनरल टर्म्स अगर निकालनी है, जनरल टर्म क्या होगी इसकी, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, x इक्वल टू क्या होगा, जनरल टर्म्स निकालनी है इसकी। अगर पूछा एंगल कितना है, तो एंगल क्या है पाई बाई थ्री, अगर जनरल टर्म्स कहते हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। भाई इनकी वैल्यू कुछ भी रखते चले जाएंगे, आंसर आता रहेगा बार बार, एक रखेंगे दो रखेंगे तीन रखेंगे या प्लस किधर से भाई, ये टू की पावर देख बेटे, अगर कहीं देखो अगर कहीं ये एक्स की पावर टू है और ये एक्स की पावर थ्री है, तो टू इक्वल टू थ्री नहीं आ जाएगा। ये अगर बी एस इक्वल हो तो ये भी तो इक्वल होंगे, ये है फॉर्मूले देखो, ये भी टू की पावर में है, ये भी टू की पावर में है, तो ये वाला टू इसके बराबर होगा, ये तीन टू होगा, इसलिए दिक्कत आ गई है।
क्या हो गए और तीन हो गए, तीन ही हुए सिर्फ इसके। अरे छः सात हो गए भाई। क्या लिखा है आपने लास्ट में? लिखा जा रहा, मुझे लिखा जाती है थोड़ी, बस मैं ही पढ़ता हूँ। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखा कि मांगे तुम नहीं। तो लिखाई के ऊपर ऐसे है, जैसे मान लिया एक लड़के ने एक लड़की को लेटर दिया भाई, ठीक। अब क्या हुआ, अगले दिन उसके पापा ने ऊपर लड़के पर बजा दिया, ठीक। तो मतलब लड़की ने अपने पापा को दे दिया और पापा ने उसका लड़के पर बजा दिया। तो जब वो लड़का मिला अगले दिन, उनका तुम्हारे पापा दिखा या तो डॉक्टर है या मेडिकल स्टोर वाले, अब क्योंकि जब भी तो मेरा खत पढ़ वो पढ़ लिया लेटर, नहीं किसी और को नहीं पढ़ा था। देखिए जाट की लिखाई कैसी हो, पढ़ते क्या कोई मेडिकल स्टोर एकदम पढ़ता है नहीं भैया दो हैं। चलो वही इक्वल टू क्या आ गया, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन y इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। क्या भाई देखो y, देखो थोड़ी सी कोस एक्स बराबर, देखो y भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा cos x बराबर, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक के। तो यहाँ क्या आएगा, cos x बराबर cos pi by 2 माइनस x। अब तो दोनों के एंगल बराबर हो गए, cos theta इक्वल टू cos alpha, क्या जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू n pi या 2n pi, वो क्या फॉर्मूला, 2n pi हो या n pi हो, 2n pi प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस के एक्स। आगे बात है, देखो दो साइन आए, ये एक एक्स इधर है, एक एक्स इधर है, ये तो भाई साहब पूरे से लिख रहे, एक तरफ लिख लो, लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस y बाई टू माइनस के x, एक x इधर आ गया, x कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y बाई टू, तो 2n प्लस हाफ अपॉन पाई इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस हाफ, और इधर शुरू में हाफ लिख दो, है भाई आगे बात है, और पाई भी है, देखो ये पाई भी आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या रख दो, अगर n की वैल्यू एक रखो तो क्या आ जाएगा, बोल लो, दो दूनी चार, एक पाँच बटे दो, पाँच पाई बटे दो, n की वैल्यू दो रखूँगा तो कुछ और आ जाएगा, n की वैल्यू तीन रखूँगा तो कुछ और आ जाएगा, आई नहीं बात है। अच्छा अब क्या करूँगा, एक बार टेकिंग ये वैल्यू तो रखी दोगे, अभी रख के दिखाऊंगा, टेकिंग क्या आएगा, टेकिंग माइनस नेगेटिव साइन, क्या आएगा भाई बोल लो, एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस प्लस एक्स, ये ध्यान रखना भाई, जब बाहर माइनस है अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, ये माइनस का है तो यो ये x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, ये 2n पाई माइनस पाई बाई टू, हाँ बता कुछ नहीं, तो हम लेते ही नहीं, खत्म ही करते हैं, तो हम जाऊँ क्यों लिख क्यों रहे, कहा किसी ने लिखने, क्या क्या है भाई, हम भी लिखते ही हैं, बस प्लस वाला ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बस नहीं सीधा प्लस वाला ले लेंगे, क्यों चेक करना पड़ेगा, हैं बस आ गया आंसर, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और क्या करना है बताओ, क्या करना, हम क्या कर सकते हैं भाई, इनकी वैल्यू वन टू थ्री रख दी, जो उनका आंसर क्या आएगा, छंटे का वही आंसर हो जाएगा, आंसर दिएगा ना, वो कौन सी वैल्यू होगी, गर्मी हो गई है,
भाई एन की वैल्यू क्या है इंटीजर को 1, 2, 3, 4 -1, -2 रखते चलेंगे ठीक नहीं है। एन इंटीजर होता है ना, वो उन्होंने पूछा था कल सर, वो तो कह रहे थे कि इंटीजर होते नहीं सर। क्या सर मना कर रहे सर, 0 की इंटीजर नहीं होता। अरे अभी क्या बताया मैंने बेटे, सर आपने तो बताया इंटीजर होता तो है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर होता ना नेगेटिव। बस पापा हैं वो जैसे राष्ट्रपति जी हो घर में, मम्मी पापा इंटीजर तो है वो ना, तो एन की वैल्यू यू बताना चाहिए ना भाई, यू बताना चाहिए ना कि जवाब यू नहीं हो जी, दूसरा तो पूछेगा भाई, जिस तो मैं कहूँ मैं पूछू जितना पूछते मैं यो अगर ना वो तो बताना चाहिए। फिर ये भी कहना चाहिए पीछे ला दो, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा -2 + 1 -5/2 जो भी आंसर होगा दे देख लिए भाई। आगे बढ़े देखो भाई, इसका एक आंसर क्या जा सकता है अगर यही लिखवाना, देखो भाई देखो एक बार और x इक्वल टू, ये भी आंसर आ सकता है इसका, x इक्वल टू π/2 -x, जिसको बच्चों को बताते हैं जिन्हें टर्म भी पढ़ेगा, तो x x प्लस x क्या आ गया π/2 और 2x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू π/4 ये भी हो सकता है π/4 बन सकता है। इसकी वैल्यू क्या रखेगा, बैन की वैल्यू 0 रख, अभी तो तुमने पूछ रहे सवाल, तुम्हारे सवाल का जवाब ही नहीं आया, तुम कुछ नहीं यार भाई, कुछ नहीं आया, कोई मजा आया, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं पड़ी आज भाई। मिटो दो सवाल नहीं आ रहे हैं, बार बार देखना ही पड़ा है क्योंकि मैथ में बड़ी प्रॉब्लम है। बायोलॉजी में नहीं जाए पता की दिक्कत है, बायोलॉजी में एक चित्र बना दो उसके बाद व्याख्या करनी है घंटे तक के हैं ठीक है ना, एक मेंढक का बना दिया या जो है पैरामीशन भी बना दिया, बोले बोलना बोलना तो लगातार बोलेगा आदमी, इसमें तो हर 2 मिनट बाद सवाल चाहिए क्या। देखो भाई क्या आ गया, देखो ये क्या लिखा मैंने लिख लिया भाई, देखो ये क्या है कि साइन साइन इनवर्स एक्स, यह साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों फर्क है ना, ये एंगल का इनवर्स है इनवर्स का ये, यो इसकी वैल्यू कब होगी एक्स, इस एक्स की वैल्यू -1 to 1 जो तुम मुझे बताओ जो बार बार यही तो बताया मैंने, और इसकी वैल्यू कब होगी है -π/2 to π/2 तो पता भी होगा तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं, इन दोनों में ये फर्क है बस थोड़ा है, एक्स ही दोनों है एक्स ही आगे बात नहीं, एक डोमेन और एक रेंज वाला वही है जो बताया था, उतार लिया होगा
ये फॉर्म ले ऐसी तरह रख लियो है, मतलब ये वन कब है, ये एक्स कब है, ये एक्स कब है, समझ में आ गई ना बात भाई? इसे इसे हाँ इसी तो कह रहा भाई मैं, अच्छी चीज बताई मैंने तुम्हें। एक सवाल है लिखो, बज्जी की आवाज सुनाई दी है, इसके ना चार दिन वाली है तैयारी कर रियल सेट दे आगे बुकिंग हुई है कि भाई। हाँ ये जिदी कर रहा है, इनको दिखा आ गया भाई, मैं भाई तैयारी कर लूँ है ना, तेरे ना दावत तो तुम ही खाओगे यार, मैं तो नहीं कौन सी बात है खानी दावत क्या कह रहे खानी। अरे अब आज थोड़ी है, जब भी होगी तो तैयारी कर रही है, बातें बजे नए नए गाने भी चलेंगे तैयारी कर रही है, आज थोड़ी है जब होगी जब ही तो होगी, फायर वायर निकलेगा यार, तुम आज ही सोच रहे क्वेश्चन है, बड़ा सा बड़ा तगड़ा सवाल है। सही क्या लिखा है? क्या जी? एक एक साइन इनवर्स एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू माइनस एन पाई बाई टू, ये एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, n belongs to n natural, n is equal to 2m plus 1. न्यू पर लिखना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सवाल में डबली जगह में लिख दिए, पहले क्वेश्चन ताल दीजिए मिटो देंगे हैं। देखो भाई क्या सवाल है ये वाला, ये तो समझ में आ गया ना, ये क्या लिखा लास्ट में, ये तो समझ में आ गया, जो फालतू पहले तो फालतू है ना, जब वो फालतू रीडिंग क्या भाई, पहले कम कर दो फिर देखेंगे, ये दो जब कोई घर मानो पहले फालतू रीडिंग चले फिर देखेंगे क्या हुआ। अब बताओ भाई क्या, देखो सवाल पहले समझने की कोशिश करो, सवाल समझाता हूँ पहले है क्या, ये देखो भाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स वन, साइन इनवर्स एक्स टू, साइन इनवर्स एक्स थ्री, साइन अप टू, साइन इनवर्स एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू माइनस एन पाई बाई टू, गिवन है, कोई दुख तक नहीं है यहाँ तक के। अब आगे, अब m जो है, अगर m की m इज ग्रेटर देन वन हो कोई नंबर, और n बिलोंग्स टू n हो नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 2m प्लस 1 हो, 2m प्लस 1 का मतलब क्या था वो n, 2m प्लस 1 का मतलब ओड हो, 2m प्लस 1 ही तो होता है, जब ओड नंबर मानते हैं 2x प्लस 1 यहाँ तक, तो इसकी प्रूव करनी है या फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वन की पावर थ्री, एक्स वन की पावर थ्री वन मान लो, इसकी पावर थ्री, इसकी पावर फाइव, एक्स सेवन की पावर क्या आ गई, यहाँ सेवन तो साइकिल से चल गई बस, ये अब टू एम प्लस वन टाइम्स अपॉन एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स फोर का स्क्वायर एक्स सिक्स का स्क्वायर प्लस अप टू एम टाइम्स,
यहाँ से बात नहीं मांगी, दिक्कत तो नहीं है यहाँ से? सवाल समझ में आ गए ना? Yes, सवाल समझ में आ गए तो जवाब भी समझना चाहिए, सवाल समझ में आना चाहिए। तो क्या देखता है भाई इसकी 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 वैल्यू क्या लिखता हूँ मैं, आंसर है ये साइन। देखो अब मुझे क्या पता है कि साइन एक्स आई, साइन जितने भी साइन होंगे उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी माइनस पाई बाई टू, बड़ी आई पूरी होगी माइनस पाई बाई टू, एन पाई बाई टू जितनी वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, बड़ी होगी हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी, बड़ी होगी या ये तो पता है तुम्हें। इनकी साइन एक्स आई, साइन एक्स आई या साइन इनवर्स एक्स आई कर ले है, कि वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल होगी माइनस एन पाई बाई टू, वेयर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, है नहीं भाई क्या कह रहे हैं इतनी वैसी गिनती लिख ली, ये तो पता होगा भाई। नहीं जितने भी साइन के इनवर्स होंगे उसकी वैल्यू हमेशा एन पाई बाई टू से बड़ी होगी, कितने भी एंगल कितने भी चक्कर हो सके हमें। अच्छा इसकी वैल्यू अगर वन रख दूं मैं, अरे ये सिग्मा होता है वही जोड़, तो इसे किससे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एन पाई बाई। अब तुमने कहा हाँ ये वैल्यू यू ही करूंगा मैं देख, लेकिन मुझे दिया तो ये है और गिवन कितना है, ये है गिवन लिख लेगा यहाँ, क्या गिवन है ये है गिवन, इन दोनों में क्या फर्क है देखिए, एक का मुंह इधर को है एक का मुंह इधर को ही नहीं है, अरे ये इधर का बराबर है, ये तो इनकी LHS तो बराबर है, ये इनकी LHS है, ये कितनी है माइनस एन पाई बाई टू लेस देन, ये कितनी है इज ग्रेटर देन एन पाई बाई टू, यानी कि ये तो मुझे पता है ये गिवन है। अगर इनकी RHS बराबर है तो इनकी LHS भी तो बराबर होगी, जब इनकी LHS बराबर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो क्या होगा बराबर साइन इनवर्स एक्स वन बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स टू, साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स एक्स थ्री बराबर साइन इनवर्स एक्स फोर, सारे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो बाई मान लिया ये तो फर्स्ट है और ये कौन सी आ जाएगी, ये कौन सी आ जाएगी गिवन से, सेकंड गिवन लिख लेगा भाई आयो, तो बाई फर्स्ट एंड टू वी गेट क्या आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स एक्स वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये बात नहीं समझ में होगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये तो ये एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर एक्स थ्री बराबर, तो यानी क्या जाएगा वन वन के बराबर आ जाएंगे सारे, वन वन ही है, तो क्या जाएगा ये वन प्लस वन की पावर थ्री वन की पावर फाइव वन की पावर फाइव अप टू एम प्लस वन, क्या आ जाएगा ऊपर कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है देखो यहाँ तक कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, भाई भी जगह छोटी हो गई दिक्कत भी हो गई है, हम तो पहली बड़ा लिखे थे इसे तुड़वाएंगे वही ठीक था हमारा तो पहले वाला ही है। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई तुम्हारे, अच्छा ये भाई यहाँ तक समझ में आ गई उसे ना देखो इसे देख लो यहाँ समझ में आ गई है, तो मैंने भी देखा अब तेरे गौर से देखता हूँ बाद में करा के आज मैंने ठीक है यहाँ तक के ये कुछ नहीं है। अब गिवन यहाँ ऊपर गिवन लिख लो भाई मैं क्या गिवन है बोल लो, साइन इनवर्स एक यार ये बहुत दिक्कत है कभी भी छोटा पैर सी था ये थोड़ा कमी रह गया है या तो ऊंचे हाथ में जाता है एक और दिक्कत आ गई, दिक्कत कहीं है अगर थोड़ा वो तो बहुत बढ़िया जाता जाते हैं। अब चलो क्या दोनों ना इसको इसका इलाज है ना इसका इलाज है, दोनों इलाज ही मारी चलो देखेंगे इसी काम चलाएंगे, साइन इनवर्स एक्स टू प्लस क्या आ गया साइन इनवर्स, ये टांग भी था लिखनी पड़ रही है ईद को क्या आ गया हंस रहे यार तुम तो क्या ना गरीब आदमी सी हंस रहे हैं
एन पाई बाई टू, दो टबड़ा लिखते ऊपर ठान रहा है। देखो देखो भाई ये गिवन है बेटे, देख इसकी एल एच एस दोनों की आर एच एस दोनों बराबर है yes, तो इनकी एल एच एस भी तो बराबर होगी yes, और दोनों एल एच एस होगी तो इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे yes, जब भी तो बराबर होगी yes, तो साइन इनवर्स एक्स वन बराबर क्या बराबर है, साइन इनवर्स एक्स टू बराबर, साइन इनवर्स एक्स थ्री बराबर, साइन इनवर्स एक्स फोर भी सही भाई। यो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है ये second, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से सीधा लिख दूंगा क्या जगह बोलो बराबर बराबर ये हो जाएगा yes, तो यानी x1 बराबर x2 बराबर x3 यानी वन x सबकी वैल्यू क्या आ गई मान लिया वन वन है yes, कितनी वैल्यू है वन वन नहीं आ गई yes, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखूं वन प्लस वन की पावर थ्री, वन की पावर फाइव, वन की पावर सेवन। अब तो इसे मिटो दो सवाल को, तो क्या आ जाएगा ये बोल लो, क्या आ जाएगा बोलो, वन प्लस पावर थ्री नहीं यार अब टू एम प्लस वन, अब टू अगर मैं लिखूं फिर कहेंगे कहां से आ गया, वैसे एक वैसे हालात खराब चल रहे आज के ना, ये क्या आएगा वन की पावर टू, टू प्लस वन की पावर टू, टू कर रखे आपने अच्छा टू टू कर रखे, मैं भी टू ही करूंगा भाई, मैंने कर रखे सवाल ना भाई, एम टाइम यहाँ तो बात समझ में। देखो अब देखो भाई समझिए ये क्या आ गया, वन की पावर क्यू कितना आता है वन वन वन, वन प्लस वन प्लस वन अप टू एम प्लस वन क्या आ जाएगा बता सके कोई मुझे भाई। देखो ये एक और लाइन लिखूंगा यहाँ, ये वन प्लस 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 अब टू क्या आता है क्या क्या तक के एम प्लस वन ही भाई, देख तो ले यार कितना आ जाएगा, शाबाश क्या आ जाएगा, एम तो है ही नहीं भाई एम प्लस वन है, हाँ एम प्लस वन क्या जाएगा एम, देख बिल्कुल सही कर बात बात बताई तुम, की बात यकीन ही नहीं कर रहे थे अपने बात, यही बोल लो जाए। देखो एक को अगर दस बार जुड़ूंगा तो क्या आएगा भाई, भाई दस ही तो आएगा, एक को सौ बार जुड़ूंगा एक प्लस एक क्या आएगा, तो एक को जब एम प्लस वन टाइम बार जोड़ूंगा टाइम के ना बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा है, और अब जब एक प्लस एक अब टू कितनी टाइम्स, ये कितना जाएगा भाई एम आएगा भाई, यही तो आंसर है, तो है क्या है कुछ करना शुरू कर लिया इसमें मुश्किल है काम बाद में आ गए संजू, तुम्हारी भी आ गई नहीं, तुम्हारे पहले से आ रहा था संजू, पता क्या आएगी भाई एक में थोड़ी गलती सी हो गई, मैं पता क्या गलती हो गई छोटी सी, एक माइनस का गया देखो क्या है ये तो माइनस वन भी आ सकता है, तो क्या आ सकता है भाई मान लिया ये प्लस का होता तो प्लस का जाता माइनस का है तो यहाँ माइनस वन, तो यह आ जाता माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर थ्री माइनस यहाँ आ जाता, ज्यादा नहीं बात बिगड़ी इतनी इतनी बेकार बात नहीं जितनी तुम सोच रहे होंगे, और यहाँ ये सारे प्लस के जाते हैं तो इसका आंसर माइनस एम प्लस वन अपॉन एम भी आ गया है, मतलब क्लियर है ना, मतलब अगर वो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना भाई तुम आई नहीं बात में तुम्हारी समझ में नहीं बात, इंडिया ने उन्होंने कहीं आ गई हाँ, मतलब ये भी ध्यान रखना भाई, मतलब तुम इतना बड़ी गलती बात नहीं हुई ये तो यार तो समझ ही लोगे, हाँ भाई इतनी बात तो जब देखो बाइक चलाएगा आदमी तो सामने आ रहा तो इसे भी गुआ दो अगे से बचा आदमी को है, तो भाई टक्कर तो खुद ही बचाएगा, तो आदमी चलाने आ रहा है
देखो भाई अब सवाल आगे शुरू करते हैं एक और सवाल। इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, है माइनस वन की पावर है, समझ में आने के बाद ये तो आलू मिर्चा हो तो भाई आई आई टी का सवाल था, बिल्कुल डायरेक्ट बेहतरीन सवाल है, मैंने बताया आज आई आई टी का बताया आज ही सारे डायरेक्ट आई हुई है, डायरेक्ट आई आई टी की इस तरह यही सवाल है ये भाई। अच्छा भाई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आते तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें शेर अपनी चाल पे चले जाओ, दिक्कत नहीं मानना करता, कोई मान रहा नहीं मान रहा है ना भाई, गर्मी हो रही थी बंद कर रहे हैं। तो तुम्हें पता माइनस वन टू वन हमेशा बताओ तुम, यो हमेशा तुम्हें बताओ भाई। देखो भाई इसमें कुछ थोड़ी भी एक क्रैकलिसी करेंगे, इसका ग्राफ बनाना है, किसका है देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्या है माइनस वन टू वन होता है, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या पढ़ता है ये उल्टा सा ए, इसे क्या बोलते हैं फोर होल, फोर होल का मतलब सबके लिए, फोर होल क्या हैं सबके लिए। अब भाई पूरे गांव में भाई दावत है आज, तो प्रधान जी के हैं भाई सब, वहाँ प्रधान जी के वहाँ घेर में चाट पकौड़ी मंडी सब आ जाइयो, ये फोर होल है समझिए, हाँ ये तो नहीं कहते भाई फलाना आइयो, अब भाई राम कुमार भी नहीं हो, ये तो नहीं कहते श्याम कुमार नहीं हो, सब गए हैं सब जाइए, और भैया चल रहा है वहाँ पकौड़ा थी मंडी चलेंगे आज भाई, फोर होल ये वाला फोर होल एक्स बिलोंग्स टू इसका अवयव है माइनस वन टू वन है, इसका क्या ग्राफ बनता है भाई, देखो ये ग्राफ तो यूं तो ध्यान रहेगा yes, यार फिर वही देखो, देखो भाई यहां तो क्या आएगा जीरो, फिर यहां क्या आएगा वन, ऊपर भी क्या आएगा वन, नीचे भी क्या आएगा माइनस वन, इधर भी क्या आएगा माइनस वन, है बाबू जी एक तो जगह जो वन एक ही हो जाएगा, ये इसका ग्राफ ए ही होता है, ऐसे ग्राफ होगा इसका, साइन साइन इनवर्स एक्स, अगर ऐसे ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये साइन साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स कोस कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, अगर देखने में कोई बता दे भाई पहचान लूंगे एकदम देख के, और भाई साहब इनका ग्राफ है क्या है इसकी, वो एक्स की वो क्या है माइनस वन टू वन है, ये सीधी लाइन जाएगी इस तरह, और अब तो अगर मान ले ऐसे ऐसे तीन चार डब्बे ऐसे बना दे होगा तो ठीक है भाई, उसकी औलाद हो जाना चाहिए, मान ले सौ बीघे जमीन है, बातें कहता है कि मैं जैसे गाँव में गया तो उसने कहा हमारे जो है सौ बीघे जमीन है, और सौ बीघे जमीन में तीन पीढ़ी पहले थी, अब तो दो बीघा आ गई, ऐसा भी हो होता नहीं है, अगर मैंने कहा भाई तो तुम तो सौ बीघे बताओ, क्योंकि हमारे परिवार पा रहे हो तेरी,
तो मतलब अगर इसका परिवार जुड़ जाए यहाँ डब्बे डब्बे समझ लोगे किसका है, यानी ऐसे ही हो गए थे सारे। देखो ये ऐसे मान लिए पाई बाई टू पाई बाई फोर इस तरह है, इस तरह ग्राफ की पहचाननी हुई है। ये बात नहीं आ गई भाई? अच्छा उस दिन कराए हम चले गए सर। हाँ अगर एक बच्चों तू हो जा काम बाप मसी होगा कोई थे नहीं था। कोई नहीं था तो वैसे ही पढ़ा दिया होगा भी है भाई था एक बच्चा पता नहीं यार कौन तो वो तारे में सारे मत होगा कोई सारे जा रहे कुछ टाइम लगना पड़ता है। देखो टेन देखो ऐसा कोई गोली नहीं है पढ़ने के लिए खास तौर से कि तुम्हें गोली पिला दी, हर चीज के लिए क्या चाहता है टाइम चाहता है। तो टाइम देगा जी देखो tan tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसकी क्या ग्राफ बनता है भाई ये cot cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये फिर वही है मेरे पास तो यही लिए दिया कि यही आ गया ग्राफ, सीधी सीधी बात है और कुछ है ही नहीं यार चीज छीन लेने के समझ जाओगे ना सीधी है ये। यस सर मैंने कभी तुम्हें को तो कि ये भी तेरी सीधी थी ऐसा नहीं कर लो बातें बातें सारे मैसेज आ जाओ 1 2 3 4 मैं क्या देखा मैं क्या कर खा जी ऐसी तो खींची थी वो एक बार मैंने सर्कल सा बनाया यूं यूं बन गया इन्हें यूं बना दे मगर क्या है वो सर्कल जैसे ही तो बना था तो सभी तरह के हैं बच्चे ही खाते हैं सब कुछ। तो x माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इसकी ये लाइन होती है भाई ए ये एक ही लाइन है यहाँ भी है सीधी रेखा है। हाँ बिल्कुल सीधी रेखा है बिल्कुल वाली वही डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ भाई ये ऐसी लाइन है इस ग्राफ की उसका पिछले वाले का भी ऐसा ही पिछले कैसा था ऐसा था पिछले वाले का वो माइनस वन प्लस वन से मैच हो गया जा रही थी वो इसमें जरूरी नहीं है इसमें एंगल के हिसाब से कि जितना झुका होगा फर्क है उसमें। देखो मैंने क्या बताया था यहाँ वो बनाया था मैंने यहाँ सर्किल बनाया था यहाँ जो माइनस वन प्लस वन यही हो ये इसमें बाउंडेशन नहीं है कितना कहाँ जा रही यो माइनस वन नीचे भी माइनस वन प्लस वन था फिर वो फर्क था या एक ही है फर्क है। हाँ चलो अब तो आगे फर्क देखने का फर्क है थोड़ा सा मैंने कहा तो हो गया नहीं तो नहीं है। भाई क्या अब है वाई कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स एक्स
हिकमा ही है जो हाँ इसलिए वही फकीरों की तरफ पढ़ाया हमने हाथ कमा लिया गया सही कह रहे ऐसा ही है भाई जितनी आमदनी उतनी खर्च है गौमुख हो जाओ बहुत आमदनी इनके तो क्या फर्क पड़ रहा है लेकिन इसकी आमदनी दिखते थे 24 तो टूट जाते मारा मंदिर ज्यादा हो जाओ मंदिर कहा हुआ किसी को भाई नहीं नमी आ जाए खोल के ना ज़्यादा चौक यहाँ पर नमी आ रही मौसम में मॉइस्चर और नमी पकड़ लेगा टूट जाएगा वाई देखो क्या है ये वाई इज इक्वल टू क्या है ये वाई इज इक्वल टू नहीं कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर ऑल एक्स फोर ऑल का मतलब सबके लिए बिलोंग्स टू इसमें एक्स की जो होगी क्या होगी माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी और ये वन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है यानी कि ये बड़ा ब्रैकेट है ये ध्यान रखना ये माइनस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी है नहीं माइनस स्मॉल इसलिए है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये बीच माइनस ही है लेकिन वन इसके अंदर है ये इसकी रेंज आए संजय भाई ध्यान रहेगा तो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा है देखो एक तो यू है एक है ये चीज इन दोनों में फर्क क्या है एक ये चीज है अच्छा चलो फिलहाल ही देखो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू a से b तक है लेकिन a भी है और b भी है ये वाली लाइन यहाँ a है ये b है तो यहां से यहां तक की जो सारी क्या आ गई ये इनवॉल्व है वैल्यू भी है अब ये है a टू b मतलब है तो a से b तक नहीं है लेकिन ना a है ना a टू b a तक x टेंस टू a यानी x कहां की तरफ जा रहा है ए की तरफ जा रहा है नहीं ये एक्स क्या की तरफ जा रहा है इसमें बी है नहीं भाई जैसा वो बताया था मैंने है नहीं ये फर्क है इन दोनों में ये क्या माइनस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी है नहीं उससे पहले वो था हल्का सा निन्ना से पहले रुक जाएगा आई बात में ये निन्ना से ज्यादा आगे थोड़ा सा निन्ना तक पहुंच जा निन्ना का छोटा सा था है गोमा क्या निन्ना से रहा था तो निन्ना से रहा था बच्चे लड़े आपस में तो वन टू वन एटलीस्ट बहुत छोटा सा इस मोड तो वन वन ये आगे बात है इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई पूछ लिया ऐसी थोड़ी सी बात है ना भाई ये आदमी तो मतलब है देखो भाई क्या होगा था देखो अब इसका ग्राफ क्या करेंगे देखो भाई फिर मेरे पास वही है भाई बात मेरे पास तो यही खींचना है भाई और आता भी नहीं कुछ इससे अलावा है ठीक नहीं है तो क्या करता हूँ मैं ये माइनस वन वन टू वन होगा यहाँ ये वन टू वन होगा भाई ये ले भाई दिक्कत यह जितना ये बनेगा इतना ये बनेगा भाई ध्यान के लिए बात को ये छोटा बड़ा नहीं बनना जितना ये बनेगा इतना ही ये फिर गलती होगी मेरे से ये अब इतना ही बनाता है इसके ऊपर एक ये यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ ये इसका ग्राफ है तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए माइनस इन्फिनिटी टू वन याद रख लिए पूछूंगा मैं यूनियन टू वन टू इन्फिनिटी या इसका ग्राफ देख के पहचान लूंगा किसके किसके ग्राफ है ये कोस एक्स सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ है टेस्ट जिस दिन लास्ट दिन होगा लास्ट दिन का मतलब आज कौन सा है सात वाला लेक्चर है ये आठ नौ दस जब भी दसवा लेक्चर होगा उस दिन टेस्ट होगा हाँ ये बताना भूल गया भाई मैं दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर 10-15 सवाल दूंगा मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हें टिक मार करने हैं पर टिक मार ही नहीं करने वो बताया था मैंने राम राम करके नहीं करने अगले 10-15 सवाल हैं एक पहले का ए दूसरे का भी सर लो कर लियो सर लात सवाल जाओ जाओ हैं ईमानदार के कहने थोड़ा पीछे पीछे बैठ के ईमानदार एक किसी बैठ के बैठ जाइए मैं भी बैठे रहूँगा वो देख लूँगा अपना तुम राम देख लिया ठीक है नहीं आध घंटे या पौन घंटे का होगा ठीक 45 मिनट का कम से कम होगा 45 मिनट में कितने सवाल होने चाहिए भाई तुम्हारी नज़र में जितने तुम कहोगे बताओ 12 15
पैंतालीस मिनट 15 हो जाएंगे हो जाएगी ठीक। 45 मिनट का होगा पेपर, उसमें 15 सवाल होंगे, मतलब शुरू के 30-35 मिनट से पढ़ाया जाएगा और बाद में 45 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 90 मिनट की होती है ना लगभग क्लास, तो ये हो जाएगा। कब होगा? जब भी 10 वाला लेक्चर होगा, छुट्टी वुट्टी पड़ जाए अचानक कोई हो जाए इस तरह की बात, तो आज 7 हो गए याद रख लेना। और भाई ये फार्मूले वामूले तो कम से कम ये रटी लेना भाई, मैंने तो बता देंगे तो बिना काम चलता है सुप्लीमेंट्री का है। अभी तो ये और बताऊंगा आज 6 फार्मूले, कल को फिर बताऊंगा, परसों को और आखिरी फार्मूले फार्मूले चले जाएंगे, बहुत फॉर्म दिए इसमें हैं, दिमाग फिट जाए हैं, क्या करा जाए बताओ। देखो भाई अब एक सवाल थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, कोट इनवर्स, ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छी तरह, दिक्कत तो नहीं। कोट इनवर्स 1 plus sine x plus 1 minus sine x plus 1 minus sine x upon 1 plus sine x 1 plus sine x minus root 1 minus sine x is equal to पाई बाई टू। एक्स बिलोंग्स टू है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4, इसलिए तो कहा था मैंने थोड़ा अटैच से मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा देख के खुश हो जाओगे। हाँ भाई अगर अपने आदमी हैं गाँव में, गाँव शहर में जाएंगे अपना आदमी देखे शहर में, भाई हमारे गाँव को जा हंसते नहीं, अगर तुम्हारे गाँव का यहाँ पर तुम निकल के पढ़ने जा रहे हो तुम हंसे नहीं जाने की तरफ, मैंने कहा हमारे हमारी आदमी आ रहे, ताऊ जी आ रहे, चाचा जी आ रहे यार। देखो ये क्या है, इस सवाल को किस से सोल्व करते हैं भाई, तुम ही बता दो। चलो सर 1 की वैल्यू रखेंगे, पहले तो 1 की वैल्यू रखेंगे सीधा ही। हां सर वो cos square x plus sin square x कहां है, तो cot इनवर्स है भाई, कोट पाई बाय टू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है, फिर आगे मैंने कहा 0 आ गई और तुमने नहीं कहा, और क्या हो कोट पाई बाय टू की वैल्यू 0 तो हो होती नहीं, मैं तो ठीक बता रहा भाई या और कुछ हो ऐसा करेंगे किस तरह यार इस क्वेश्चन को, आज छुट्टी कर दी, आज करेंगे किस तरह इस क्वेश्चन को, आज तो वो नहीं है ना, आज हाँ तो बेफिक्र होकर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। कोट पाई बाई टू की वैल्यू 0 आ गई तो इस समीकरण के इक्वल टू 0 आ गया, हाँ इसके इधर का भी 0 आ गया, हाँ ऊपर ली वैल्यू बच गई, हाँ उसका ऊपर उसे इधर ले आ दूं है, इसे इधर कर दूं, उनका स्क्वायर कर दूं है, 2 sin x इक्वल टू 0, 1 से 1 2 sin x इक्वल टू x इक्वल टू पाई बाई टू आ गया है, हैं क्या करें और x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू नहीं आ गई का, भाई तुम्हारे कहने से यूँ हो गया, मैं समझ गया तुम्हारा 1 प्लस साइन एक्स, मैं इन्हें तंग कर जा रहा हूँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स है भाई, yes, इधर आगे 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 से 1 जाके 0, एक्स इक्वल टू 0, यही तो हो गया, मैं 0 में वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू यही तो कहना चाह रहे हैं, ये कुछ और चाह रहे थे तुम, ये है 2 साइन एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0। देखो भाई एक और सवाल करते हैं हम इसको, अगर यहाँ भाई साहब अगर ये भाई साहब मैं पाई बाई फोर कर दूँ फिर क्या हो, फिर कहाँ जाओगे तुम, मैं यहाँ पर पाई बाई फोर कर दूँ, मैं तो कर रहा हूँ पाई बाई फोर कर रहा, फिर कहाँ जाओगे आप, हाँ 1/√2 हो जाएगा फिर यू, या नहीं 1 पाई कोट पाई बाई फोर की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर कहाँ जाओगे आप, हैं फिर दोबारा सोल्व करेंगे, सोल्व ही करते रहेंगे। देखो क्या आगे, देखो अगर मैंने बता रखा अगर कहीं जैसे ऊपर हो ऐसे ही नीचे हो,
बताते मैंने वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स सीधा था, तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, बता रखा भाई मैंने, भूल गए उतनी सीधा फार्मूला, जैसा ऊपर हो वैसा ही ये बताया था मैंने। एक सवाल ये बताया था, ये तो है भाई बिल्कुल ऐसा ही नहीं आएगा। तो बोलो क्या आ गया, करो साथ, जगह थोड़ी है, तुम भी साथ दोगे, दोनों करेंगे बैठ के, मिल गया होगा सवाल, यू नहीं होना, जो सोच रहे मैं क्या बोलो क्या आएगा, cos इनवर्स क्या आएगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स रूट अपॉन वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स आगे प्लस वन माइनस साइन एक्स आगे वन प्लस साइन एक्स और ये रूट कौन सा वाला भाई, कौन सा कह रहे, बस हो गया भाई लिख दो, यार लाइन भी तो पूरी हुई थी, ज़्यादा एडवांस हो गया, चलो ठीक है। देखो ये क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस के सोल्व कर लेगा के, फिर देखेंगे उसको, सोल्व कर ले घर बैठे कर लूंगे इसको, देखो तो कर दो, हाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया इसका, ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी लिखा नहीं बस है, टू ए बी हमारे घर जाएगा, बस करना ही पड़ेगा भाई, कहीं थोड़ी तुम आधा सवाल छोड़ो आधा कट करके आंसर आ गया, मैं देखो चार तो तीन प्लस एक भी आ गया चार आंसर तो, और पांच माइनस एक भी चार आ गया, और हंड्रेड माइनस नाइनटी सिक्स भी आ गया चार, चार तुम ही चार ना देखो आंसर आ रहा भाई, तो पाई बाई टू के पीछे पड़ गया ना, बस पाई बाई टू आ गया, सुनवाइए कर लूंगे हो जाएगा घर बैठ के, आगे पढ़ते हैं भाई थोड़ा सा है, क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है रट लिया तो अच्छी बात है, मतलब थोड़ा तरीका भी आना चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए, छोटा भी तो काम चल जाएगा, लिखो भाई एक सवाल और, cos इनवर्स नहीं साइन साइन वन अपॉन फोर cos इनवर्स माइनस वन अपॉन नाइन, cos इनवर्स माइनस वन अपॉन नाइन, इसकी वैल्यू निकालनी भाई, निकाल लोगे इसकी किस तरह, मान लिया लेट कॉस इनवर्स वन बाई नाइन इक्वल टू थीटा, दिक्कत क्यों नहीं भाई यहां तक के, तो यहां पर क्या आ गया कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन नाइन, यो क्या आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू माइनस, हाँ वही तो, जो पेन खुद रुक गया चलता चलता, उन्होंने कुछ तुमने गलत कर लिया, जो हम चाह रहे वो आना ही नहीं, जो हम चाह रहे वो आ ही रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये कहना जिसको रटने वाली होगी, रटने वाली तो बात हो ही जा है, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन बाई नाइन माइनस वन, अरे माइन फिर है भाई, फिर वो भूल गए पता नहीं क्या हो रहा, चलो ठीक है अब तो लिखा गया भाई, तो क्या आ गया नाइन और वन टेन, टेन बाई माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू,
इससे माइनस से माइनस जाएगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन अपॉन 18 आ गया समझ में आ गया भाई टू इसके नीचे आ जाएगी है अब ये क्या आ गया साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 5/9 अच्छा ये क्या आ गया साइन अच्छा 1/ ये क्या आ जाएगा यहां से मान के इसे क्या मान लिया था मैंने ये आ जाएगा साइन 1/4 थीटा बाई 4 है नहीं हटाया कहा मैंने जी क्या लिखूं क्या बोलो आपने कैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये लिखा मैंने यहाँ से ये हाँ ये लिख दिया तो आपने क्यों लिखा 5/9 काट नहीं गया भाई दो से काट दिया भाई 2 × 5 = 18 हो रहे हैं तो क्या गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आ गया 5/9 आ गया अच्छा अब क्या निकालना है इसमें क्या कह रहे पूरे वैल्यू पानी हाँ भैया भाई दोबारा वैल्यू एक बार वो फॉर्मूला ना दो बार ले गए फॉर्मूला भाई साहब का अभी तो हमने इसकी वैल्यू काट दिया कोस इनवर्स की कोस इनवर्स क्या है ये नहीं तो मान ली भैया सवाल ये दिक्कत की आ गई हाँ अभी हाँ मुझे वो लेना था एंगल 5/4 एक बार वो करना था कोस थीटा आता है सर उसे यहाँ तक के सर सर उसे देखते हैं तो क्या इलाज है कहाँ अभी तो कुछ भी नहीं करा मैंने ये अभी तो ये चल रहा था वैसे ही लिखा था मैंने अलग से ये तो मैंने वैसे ही लिखा था सारे मिटो थे और सीधा वो है यही कह रहे थे सर प्लस का क्या आठ सर क्या है का आठ प्लस का आठ आएगा ये तो कह रहा था मैं अब भी नहीं समझ सिर्फ क्या बोलती थी मैं साइन साइन वाली टू कोस क्या क्या लिख लिया था कोस में लिख लिया था फॉर्म में देखो भाई मैं क्या दोहराता एक बार उत्तर जब भी कोस फंसना चाहिए था है बस वही गलती देखो भाई कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है समा जिसको कर रहा था तरीका तो वही था मैं कोस टू थीटा का फॉर्म में लगाना मैंने गलती क्या करती थी इसमें साइन वाला लगा लगना था कोस वाला ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं होगा कि दुनिया धरते धरते नहीं होनी इसमें इतनी तो अकल होनी भी चाहिए अब फिर मैं कोस थीटा का फॉर्म में लगाऊंगा क्या आएगा साइन वाला इस वाले में क्या आ जाएगा 1 - अब क्या लगेंगे भाई साहब ये देखो 2² साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 मैं ही तो कह रहा था मैंने कहा इसमें थीटा बाई 4 फंसना चाहिए था यहाँ ये फंस गया नहीं अब फिर कोस थीटा मान लिया कोस टू थीटा क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस 1 यानी इसका एंगल का हाफ हो जाता है थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा तो -2 sin² थीटा बाई 4 2/3 -1 है भाई 2 से 2 नहीं जाएगा -1/3 आ जाएगा कहाँ जाएगा इज इक्वल टू -2 sin² थीटा बाई 4 इसके माइनस से माइनस जाएगा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल टू
वन अपॉन भाई देख लो उसमें अगर प्लस माइनस मतलब बाजी बाल कटने पड़ना प्लस माइनस को दिक्कत हो वो देख लो अगर जाके बाजी या ना मान लिया मैंने यहाँ माइनस वन बाई या पाँच बाई थ्री आ रहा था थोड़ी इग्नोर कर दिया ऐसी थोड़ी बात तो अगर मान लिया बाई चांस ना तुम्हारा ध्यान गया ना मेरा ठीक नहीं है वो नहीं है कि अगर तेरे जोड़ दो नहीं आ रहा मास्टर क्या पढ़ाएगा तू वो थोड़ी इग्नोर हो जाए ये बात है नहीं ये ध्यान रख लियो भाई बाजी बार खुजा गलती ध्यान दे रहा तो साइंस क्या है थीटा बाई फोर इक्वल टू क्या आ गया माइनस होनी नहीं चाहिए फिर भी मैं कह रहा होने लेकिन फिर भी अगर हो ही गया क्या करा जा तो साइंस क्या है थीटा इक्वल टू वन बाई सिक्स अरे साइंस थीटा बाई फोर कितना जाएगा भाई वन अपॉन रूट सिक्स ये देखो ये साइंस थीटा बाई फोर नहीं है ये साइन थीटा बाई फोर नहीं आ गई थी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी नहीं बात आसान था बढ़िया था तुम्हारे सर ये बता दीजिए सर एक बार सर ये फर्स्ट लाइन में सर ये टू हाँ जी और करो ना थक गए तो बताओ अभी तो आज तो है टाइम हमारे पास है नहीं वो तो है नहीं जल्दी वाली थके तो नहीं भाई थोड़ा सा और पढ़ लेंगे थोड़ा सा बढ़िया करके देखो बढ़िया करके आओ भाई अच्छा हमका बढ़िया करके आओ बच्चों को देखा बेटे बढ़िया तरह पढ़िए देखो भाई मैंने क्या है कल तुम्हें जो है भाई देखो कल क्या बताया था मैंने कल मैंने तुम्हें जो है साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बताए थे क्या बताया कोस इनवर्स के साइन इनवर्स के क्या बताया था साइन इनवर्स एक्स के बताए थे ना सर आज मैं बताता हूँ कोस इनवर्स के क्या है बताता हूँ अब तुम्हें सोच रहे आज तो बहुत भारी फॉर्मूले आज पहले देते हैं वो जितने फॉर्मूले लिखवाए थे ना पांच छह वो रियल थी लिखवाई थी क्या चल रही हो ऐसे ही लिखे जाएंगे लिख लो खुद ही देखो अब देखो अब इस पर लिख लेंगे पांच छह फॉर्मूले घर बैठ के अरे कहाँ टाइम आता है ना ना लिखने तुम जूगी तुम आ जाओगे मैं बता रहा देखो इसका देखो भाई इसका एक फॉर्मूला बता दूँ अगर मैं फिर तो कामयाब रहेगा अगर सीधा ही फॉर्मूला बता दूँ इसका बगैर रेटे काम चल जाए इसका देख बगैर रेटे चलेगा देखो हाँ देखो भाई ये क्या चीज़ है ये तो देखी होगी कोस इनवर्स एक्स या साइन का ही बता दूँ इससे समझाऊंगे जो कल लिखा है वही फॉर्मूला बता दूँ ये देख साइन इनवर्स एक्स क्या होता है नहीं साइन थीटा क्या इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है इसमें एक्स हाइपोटेनियस कितना है ये कितनी आ जाएगी आज तो सबको ही पता होगा तो बुढ़े हो गए करते करते यार आगे सुनो अब जो साइन इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स क्या लगा यहाँ से भाई बोलिए जल्दी बोल देखिए यही है फॉर्मूला वही लिखवा था देखिए मैंने हैं कोस का लिखवा था साइन का लिखवा था फिर साइन का के कोस इनवर्स ये भी लिखवाया था यही था लेकिन सर ये अपॉन में अपॉन में लिख रहा है हैं अपॉन में लिखा था सर वन नहीं था क्या सर वन नहीं था सर इसके ऊपर क्या अच्छा कोस अपॉन में लिख रखा अच्छा अच्छा यार मैं ही गलत हो गया कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो कोस थीटा का आधार बटे कर्ण आधार कितना है और कर्ण कितना है तो वन लिखा जाना मैं ही गलत लिख रहा था भाई यही था आगे तो नहीं चलो अगर यूं तो यूं सही मैं जान के लिखा है मैं देखो कॉपी में देख के आराम से यूं ही चल रहा काम है अगर सब तरह यूँ कह रहे जहाँ यूँ लिखवाया था तो कह रहे ठीक यूँ लिखवाया था क्या था ये वन अपॉन इतना तो देखना चाहिए यार मैं तो कॉपी में मिलवा रहा था बिल्कुल सेम एडिटिंग
या मिलाया मिलाया में जाता अब मिल गया इक्वल टू टेन इनवर्स क्या लिखा था भाई मैंने देखिए जरा देखो लंब बटे आधार आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन रूट में सर 1 माइनस x स्क्वायर यहां से आ जाएगा यस सर अब बताओ रटने वाली बात है या कुछ और है नहीं सर फिर आगे बोल लो क्या लिखा था फिर आगे मल्टीप्लाई हो रही है कि बेटे फॉर्मूला है इसके बराबर यो इसके बराबर यो है इक्वल नहीं है बराबर बीच में निशान इस तरह क्या है लिख के दिखाने हैं मुझे फिर इस तरह ये 8 12 13 फॉर्मूले हो गए सारे है भाई ये लिख के दिखाऊंगा मैं सबके हाँ कर लो कॉपी को चेक करा दिया अभी दिखा भी दिए हैं कभी ऐसे काम चल रहा होगा अच्छा भाई एक और फॉर्मूले यार चलते चलते करते हैं नहीं अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स हो भाई ये फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे घर बैठे ही बैठे तो दिक्कत नहीं है ये 5 6 5 6 ऐसे हो 18 19 फॉर्मूले हो नहीं गए अच्छा अब क्या है अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स हो फॉर्मूले में साइन इनवर्स एक्स हो तो इसे क्या लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स 1/x ये हो जाएगा साइन का उल्टा वही तो है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/ और टेन इनवर्स एक्स क्या है इक्वल हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x तो क्या आ जाएगा ये अच्छा sec इनवर्स क्या की इक्वल हो जाएगा देखो भाई लिख लोगे ना ये देखो एक फॉर्मूले है इसमें जो तुम्हें काम की बात बताने चाह रहा था मैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x इसके लिए शर्त वो x इज ग्रेटर देन 0 x क्या से होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए अच्छा अगर बाई चांस ये आ जाए इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है -π+ कोट इनवर्स x ये याद कर लियो क्या कहा भाई मैंने क्या कहा भाई मैंने ये है नोट करने की बात जो इसमें दी भाई मैंने भी ये तो हो ही आ गए लिख लो भाई जो कोट की पावर है सर ये माइनस है पावर नहीं बेटे ये इनवर्स है मुझे व्हाट्सएप क्या भेजा नहीं आज क्या चल अच्छा कल को भेज दिया आज नहीं है गलत बात है तू भेज नहीं रहा है लड़कियां देखती हैं ना जी ना मैं अपना काम करूंगी है लिख लेगा भाई सारे फॉर्मूले तो इन्वर्ट किए ये भी 6-7 फॉर्मूले हैं मतलब ये हाँ ये यही नहीं बात रुक गई कभी सोचो दो ही हैं ये समझ रहे भाई लिख ले घर बैठ के बुक में तो पहली चीज है लिख लिया बैठ के कॉपी में एक कॉपी में जगह बना लिया कॉपी में लिख लिए छोटी सी कॉपी बना लेके फॉर्मूले की भाई मैं कई दिन से यही कह रहा तुम्हें बना रखी कहा लिखते तो फिर अच्छा एक और फॉर्मूले बताऊं भाई बताऊं थक गए और 22 अरे आज 22 तो आज ही बता दी मैंने देखो देखी जाएगी क्या इसमें साइन इनवर्स एक्स वो तो वाली बात है जब जो दो गांव को लड़ाई उनका देखी जाएगी जब तू कुछ करेगा कर लेंगे अब तो हम करते नहीं है अगर तुम्हारा होने दे पानी चलने दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एक जो फॉर्मूला है इसमें भी 3 आएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस पता नहीं क्या था वो भाई एक ही याद था ये भी 3 फॉर्मूले लिख लोगे भाई अभी देखो कल को लिखे नहीं लिखेगा जी पूछो अभी कभी यूं करो कल को
ना बिल्कुल नहीं याद करने, तो वैसे लिखे जा रहे हैं नहीं, मतलब याद करने नहीं, याद तो टेस्ट है तो थोड़ा बहुत तो आ जानी चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इसके ऊपर एक सवाल है, कल को एक सवाल देता हूँ मैं घर जाकर, अगर हो सकता है इसे करके देखिए। कौन सा कहाँ मत करवा दे, सबसे शुरू अभी तो करवाया आज भाई। देखो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन, यह टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, चेंज इन द इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, इसकी है फाइंड दिस वैल्यू इन द इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है या चेंज करना है, या इसको एक ही बात है हो सकता है थोड़ा बहुत है हाँ ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर कल को फिर आई है ठीक है भाई, इतना आज के लिए कल को फिर, कल को ये यूनिवर्स ही खत्म होगा फिर आगे बढ़ेगी बात, ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है ठीक है, बेस्ट होगा।